हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। मैं स्वाति और आज बात करूंगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में। देखेंगे कि एग्जाम की जो है आपको डेट बताई गई है, जो भी आपके एक तो कंप्यूटर बेस्ड जो है आपके टेस्ट है, देन सेकेंड जो आपके ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है और मेन्स जो भी आपके 2020 में होने वाले हैं, उन सभी की जो है आपको टेंटेटिव शेड्यूल जो है जारी किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि टेंटेटिव शेड्यूल जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उनका भी और साथ में ऑफलाइन स्क्रीन का भी। तो स्टडी सर्विस के साथ जो है आप इसी तरह से बने रहिए। आपने देखा होगा आज का एग्जाम जो है, अभी जो टेट का एग्जाम हुआ है आज वाला, तो उसमें देखे होंगे बहुत से क्वेश्चन, यानी कि 30 में से जो है 29 क्वेश्चन ऐसे थे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो डायरेक्ट वो पूछे गए हैं, जो हमने यहाँ पे करवाए थे। ठीक है, चलिए, तो खैर वो तो आपको सभी को पता ही है। चलिए अब देखते हैं, डेट देख लेते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर जो आपका टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा पहली बात, और ये होगा आपका 2 नवंबर 2020 को। ठीक है, इसके बाद वर्क मैनेजर HRTC ये भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा आपका 3 नवंबर 2020 को। असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और फार्मेसी से रिलेटेड जो थे उनका जो है 4 नवंबर 2020 को होगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, देखिए यहाँ पे अपना देख लेना कि आपका कौन सा एग्जाम है, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे डेट भी दे रखी है 5 नवंबर 2020। ठीक है, सभी को जो है अच्छी तरह से ये विजिबल होगी PDF। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी जो है तो ये जितने भी थे, जैसे नेक्स्ट है आपका 6th और 7th को है। ठीक है, तो ये भी देख लेना जिनका जो है अपना प्रोफेसर के हिसाब से जो जो आपने जो है फॉर्म फिल कर रखे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए ये तो थे आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन देख लेते हैं कुछ जो है, जैसे प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के बाद जिनके मेंस होते हैं वो देख लेते हैं एग्जाम की। मेंस जो है वो कब कब हो रहे हैं किसके, तो इसका जो शेड्यूल है देखिए यहाँ पे जो है हमें HS के बारे में बता रखा है। HPS जिसे आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो 2019 के जिनके मेंस के एग्जाम है, देखिए उनके लिए जो है डेट जो है दे रखी है, टेंटेटिव डेट है यहाँ पे 17 है, 24th है, ठीक है, 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, इनको छोड़ के जो है बाकी 2 तारीख जो है आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो 17 और 24 तक जो है आपके ये, इसके बीच में जो है आपके ये एग्जाम होंगे। ठीक है, इन दोनों यानी कि 17 से लेके 24 के बीच में जो है आपके मेंस के एग्जाम होंगे, सिर्फ 22 और 23 को नहीं होगा, यानी कि 18 को भी है, 19 को भी है, 20 को भी है, 21 को भी है और फिर 24 को है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आप नॉन CBT ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देख लेते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत से बच्चे मुझे अदर स्टेट वाले भी, जैसे मुझे कुछ मैसेज आए थे यूपी वगैरह से भी कि हमने जो है SAT का एग्जाम फिल किया है तो वो कब होगा। तो मैं एक बात बता दूं कि वो ऑफलाइन रहेगा आपका, और इसकी जो डेट है वो है 22/11/2020। ठीक है, 22 नवंबर 2020 को जो है ये आपका एग्जाम होगा। तो अब जो है डेट्स मैंने आपको बता दी है सभी एग्जाम की, यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, ये भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आपको जो है अब क्लियर हो चुका होगा कि कब कब जो है आपके एग्जाम है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि स्टडी सर्विस के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो क्लर्क का एग्जाम है उसकी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, और साथ में जो है BEd एंट्रांस की भी जो है कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जो है लगातार जुड़े रहिए, आपको हर नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।